Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of machine learning and today is day 19. So अभी तक हमने data gathering के ऊपर काम किया और अब अगले चार videos में हम लोग understanding your data के ऊपर काम करेंगे. So अगर आपको एक data set मिलता है और उसके बाद आपको first steps क्या करने चाहिए उस data के अंदर की चीजों को समझने के लिए, ये हम लोग अगले चार videos में discuss करेंगे. ठीक है? So I'll just share my screen and let's start our discussion. So guys, अगले चार वीडियोस में हम लोग अंडरस्टैंडिंग योर डेटा एज इन डेटा को जानने के पीछे क्या करना चाहिए उसके ऊपर काम करने वाले. सो मैंने इस पूरे चीज को चार वीडियोस में डिवाइड किया जैसा मैं बोल रहा हूँ. आज जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइक व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चंस दैट यू शुड आस्क व्हेन यू फर्स्ट गेट योर डेटा. ठीक है? आस्किंग बेसिक क्वेश्चंस हम लोग ये आज पढ़ने वाले. ठीक है? अब इसमें एग्जैक्टली क्या पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद हमें समझ में आ जाएगा. कल जो वीडियो है उसमें हम लोग ईडीए पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सो ईडीए का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. ठीक है? और इसमें हम लोग एक चीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस. यूनिवेरिएट एनालिसिस ये हमारा कल का फोकस होगा, एज इन मंडे का फोकस होगा. उसके बाद हम लोग ईडीए कंटिन्यू करेंगे और वहां पर हम पढ़ेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस. मल्टीवेरिएट एनालिसिस. और लास्ट में मैं आपको एक ऑटोमेटेड लाइक ऑटोमेशन टूल बताऊंगा जिससे ये पूरा एनालिसिस आप एक लाइन के कोड से कर पाओगे. और वहां पर हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं पैंडास प्रोफाइलर. बहुत ही सही लाइब्रेरी है ये, हम लोग यूज करना सीखेंगे. ठीक है? सो द एंड गोल इज कि इन चार वीडियोस को यूज करके आपको इतना समझाना है कि डेटा को शुरू में एनालाइज कैसे किया जाता है. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वीडियो विच इज आस्किंग बेसिक क्वेश्चंस. ओके? अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने ऑलरेडी एक डेटा सेट ले रखा है. आई गेस आपको पता भी होगा इस डेटा सेट के बारे में. दिस इज द वेरी फेमस टाइटैनिक डेटा सेट जहां पर लाइक दिस इज अ कॉम्पिटिशन ऑन कैगल. और जब भी कोई मशीन लर्निंग में स्टार्टिंग करता है तो दिस इज द फर्स्ट डेटा सेट दैट दे यूजली स्टार्ट विथ. ओके? सो हम लोग इस डेटा के ऊपर सीखेंगे. लाइक मैं आपको बताऊंगा कि मुझे जब कोई डेटा सेट मिलता है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ. ठीक है? वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. आई बेसिकली ट्राई टू आस्क सेवन क्वेश्चंस. वही सेवन क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख रखे हैं और एक एक करके मैं उन क्वेश्चंस का आंसर आपको बताऊंगा. ठीक है? सो मैंने ऑलरेडी पैंडास इंपोर्ट कर रखा है और उस डेटा सेट को भी इंपोर्ट कर रखा है और वो डेटा सेट डीएफ वेरिएबल के अंदर है. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में कभी भी आता है जब भी मेरे को एक डेटा सेट मिलता है वो ये है कि डेटा कितना बड़ा है. ठीक है? कितने बड़े डेटा के साथ मैं डील कर रहा हूं. और ये जानने का सबसे सिंपल तरीका है आप डीएफ डॉट शेप कर लो. राइट? और डीएफ डॉट शेप आपको बता देगा कि आपके जो डेटा है उसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं. तो जनरली आपको डेटा छोटा ही मिलता है बट हो सकता है कि कभी कभी आप बहुत बड़े डेटा के साथ डील कर रहे हो. उस तरह के सिनारियोज में आपको बिफोर हैंड पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है आगे. ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क, हाउ बिग इज द डेटा. ठीक है? इसका आंसर हमें मिल गया. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन दैट कम्स इनटू माय माइंड इज कि अच्छा अब डेटा दिखता कैसा है. ठीक है? तो आपको शायद पता ही होगा द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू राइट डीएफ डॉट हेड. ये एक फंक्शन है जो आपके डेटा का टॉप फाइव रोज आपको निकाल के दे देता है, प्रीव्यू करवा देता है. ठीक है? और ये रहा गाइस मेरा डेटा. दिस इज द टाइटैनिक डेटा सेट जहां पे हमारे पास 12 कॉलम्स हैं और ये मेरे टॉप पांच रोज हैं. मैं एक चीज और पर्सनली करता हूँ कि जब भी मुझे कोई डेटा सेट मिलता है तो होता क्या है कि कभी कभी कुछ डेटा सेट्स में कुछ बायस होता है. बायस होने का मतलब क्या हुआ कि शुरू वाला रोज थोड़ा एक जैसा है, बाद वाले रोज थोड़े एक जैसे हैं. तो अगर आपको लाइक वो बायस नहीं देखना है, आपको एक ओवरऑल चीज देखनी है, तो आप रादर देन यूजिंग हेड, सैंपल बोल के एक फंक्शन होता है उसको यूज कर सकते हो. और उसके अंदर मैंने फाइव इसलिए भेजा बिकॉज मैं बोल रहा हूं कि मुझे पांच रैंडम रोज इस डेटा सेट में से निकाल करके दो. और इसको मैं जैसे ही रन कर रहा हूं यू कैन सी अब ये जो रोज हैं ये रैंडम है. सो ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी होता है शुरू में क्योंकि अगर लेट्स से एक तरीके का डेटा हुआ शुरू में या एंड में तो अगर आप शुरू का डेटा देख रहे हो तो हो सकता है कि आपके दिमाग में गलत आइडिया बैठ जाए डेटा के बारे में. लेट्स से एज में सब कुछ 10 के नीचे था तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये तो बच्चों का डेटा है. बट अगर आप रैंडमली चीजों को उठा रहे हो तो फिर ये गलती होने का चांस कम हो जाता है. तो आई ऑलवेज से कि जब भी आपको डेटा को देखना है
तो आप सैंपल यूज करके देखो, इट्स अ मच बेटर अप्रोच. ठीक है, सो दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, कि मेरा जो डेटा है उसमें हर जो कॉलम है उसका डेटा टाइप क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे के काम के लिए. और ये जानने के लिए आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पैंडास में, हम उसको इन्फो बोलते हैं. ठीक है, आप df डॉट इन्फो जैसे ही लिखते हो आपको खूब सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है आपके कॉलम्स के बारे में. सो यहाँ पर यू कैन सी हर कॉलम के बारे में कितनी नॉटनल वैल्यूज हैं और उनका डेटा टाइप क्या है. इतना चीज तो मुझे मिल ही रहा है, साथ ही साथ मुझे ये भी पता चल रहा है कि मेरा जो डेटा है वो मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली आई कैन सी कि देर आर सर्टेन कॉलम्स विच आर न्यूमेरिकल और सर्टेन कॉलम्स विच आर कैटेगोरिकल. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, दैट इज अ स्ट्रिंग. ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक दो चीजें अच्छी पता चल सकती हैं कि कुछ ऐसे न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं जो बिना बात के फालतू में फ्लोट में इनकोडेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एज का एग्जाम्पल देखो. अब एज को आप इजिली इंटीजर में डिनोट कर सकते हो, बट जिसने भी ये डेटा बनाया उसने इसको फ्लोट में रखा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज में उसने डेसिमल वैल्यूज रखी हैं जिसकी जरूरत नहीं है. तो अगर आप चाहो तो इस मेमोरी को रिड्यूस कर सकते हो बाय चेंजिंग दिस डेटा टाइप टू इंटीजर. तो ऑब्वियसली इतने छोटे डेटा सेट पे उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो तो इस तरह के छोटे छोटे ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक्स आपका बहुत सारा मेमोरी बचा पाते हैं. और ओवरऑल भी जब आप कोई एल्गोरिदम रन करते हो अपने डेटा पे तो उसका भी स्पीड बढ़ जाता है क्योंकि मेमोरी घट गया आपके डेटा का. ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको इस स्टेप में पता चलती हैं जब आप ये पता करते हो कि आपके पास जो कॉलम्स हैं उनका डेटा टाइप क्या है. ठीक है, अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज हैं. सो मिसिंग वैल्यूज बहुत परेशान करती हैं, मिसिंग वैल्यूज को भरना भी बहुत टेंशन का काम है. और इसीलिए आपको बिफोर हैंड पता होना चाहिए कि क्या आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज हैं या नहीं है. ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि नॉर्मल वैल्यूज 891 है, 891 है, 891 है, यहाँ पे 714 है. तो क्लियरली यू कैन सी कि आपके पास मिसिंग वैल्यूज हैं. यहाँ पे 204 है, तो यहाँ पे क्लियरली यू कैन सी कि बहुत ज्यादा मिसिंग वैल्यूज है. यहाँ पे 889 है, तो यू कैन सी दो मिसिंग वैल्यूज है. बट अगर आप एक बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो और आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए कि हर कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज है, तो आप ये छोटा सा कोड लिख सकते हो जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, df.isNull.sum. ये कोड हमेशा क्या करेगा, आपके सारे कॉलम्स में नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज एक पैंडा सीरीज के फॉर्म में बता देगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है. सो यू कैन सी मोस्ट ऑफ द कॉलम्स दे डोंट हैव एनी मिसिंग वैल्यू, बट एज हैज 177 मिसिंग वैल्यूज, केबिन हैज 687 मिसिंग वैल्यूज और एम्बार्क्ड हैज टू मिसिंग वैल्यूज. अब इस स्टेप में ये फायदा हो जाता है कि आपको बिफोर हैंड समझ में आ जाता है कि मुझे कौन से कॉलम्स में वैल्यूज को फिल करना है और कौन से कॉलम्स में वैल्यूज को हटाना है. जैसे यहाँ पे क्लियरली आई कैन सी कि केबिन में मोर देन 60-70% वैल्यूज आर मिसिंग. तो या तो मैं कॉलम्स को हटा दूंगा या फिर कोई एक सिंगल वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा, जैसे नो केबिन. ठीक है, यहाँ पे एज में 177 मिसिंग वैल्यूज है, तो आई ट्राई टू फिल दिस वैल्यूज. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुरू में आंसर करना कि मिसिंग वैल्यूज हैं और कितनी है. ठीक है, ये हो गया अगला क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. हाउ डज द डेटा लुक मैथमेटिकली. जो कॉलम्स के अंदर डेटा है वो मैथमेटिकली कैसा दिखता है. अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, एक बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं डिस्क्राइब. डिस्क्राइब क्या करता है, आपके सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर एक हाई लेवल मैथमेटिकल समरी आपको देता है. लेट मी शो यू. सो ये देखो, यहां पर आपके पास हर न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर ये कुछ आपके मेट्रिक्स आ गए. काउंट कितना है, मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 25% वैल्यू कितनी है, 50% वैल्यू कितनी है, 75% वैल्यू कितनी है और मैक्स कितना है. ठीक है, तो यहाँ पे पैसेंजर आईडी सर्वाइव ये सब पे तो उतना नहीं लगेगा बिकॉज दीज आर कैटेगोरिकल कॉलम्स. एज में आप थोड़ा सा इनसाइट्स डिराइव कर सकते हो, फेयर में आप थोड़ा सा इनसाइट डिराइव कर सकते हो. जैसे एज में क्लियरली यू कैन सी कि मीन एज जो है सारे पैसेंजर्स का टाइटैनिक में दैट इज समवेयर क्लोज टू 30. स्टैंडर्ड डेविएशन इज 14. आपका मिनिमम वैल्यू इज 0.42. सो अपेरेंटली देयर इज दिस गाय जो एकदम ही छोटा बच्चा है. 25% वैल्यू मतलब आपके 25% लोगों का एज 20 या उससे कम है. 50
परसेंट लोगों का एज 28 या उससे कम है, 75% लोगों का एज 38 या उससे कम है, तो इससे आपके डेटा में अगर कोई एनोमली होगी ना, वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी अगर वो न्यूमेरिकल कॉलम है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। कई बार मुझे इस स्टेप को करने की वजह से कुछ ऐसा पता चलता है डेटा में जो बहुत काम का होता है आगे की एनालिसिस के लिए। तो ये स्टेप भी आपको बिल्कुल करके देखना चाहिए। बस इसका एक ही प्रॉब्लम है कि आपको जो इनसाइट्स मिलेंगे वो इनसाइट सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला चीज भी समझ में आ गया। नेक्स्ट इज एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या आपके डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज अगर आप अपने एल्गोरिदम को दोगे तो गड़बड़ होगा। इट्स नॉट गुड कि आप डुप्लीकेट वैल्यूज दो। तो इट्स ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी कि इवन बिफोर स्टार्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ एनालिसिस यू शुड नो कि आपके डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं कि नहीं। और ये पता करने का सिंपल तरीका होता है, डुप्लीकेटेड फंक्शन होता है एक, डुप्लीकेटेड, और इसके ऊपर भी आप सम लगा दो और ये आपको बता देगा कि कितने रोज आपके डुप्लीकेट हो रहे हैं। इस डेटा में सारे के सारे रोज यूनिक है, सो कोई भी डुप्लीकेशन नहीं है। बट अगर आप किसी और रियल वर्ल्ड डेटा सेट के ऊपर काम करोगे, देर इज अ ग्रेट चांस कि यहाँ पे आपको कुछ नंबर आ जाए। 5, 5 का मतलब देर आर 5 डुप्लीकेट रोज, 10, 10 का मतलब देर आर 10 डुप्लीकेट रोज। ठीक है, फिर आप उसको हटा सकते हो यूजिंग द ड्रॉप डुप्लीकेट फंक्शन जो पैंडास में होता है। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन दैट आई यूजली यूजली आस्क इज कि आपके जो कॉलम्स हैं उनके बीच में क्या कोई कोरिलेशन है। कोरिलेशन का मतलब होता है कि एक चीज के बढ़ने या घटने से दूसरी चीज पे क्या असर पड़ रहा है। आपको शायद पता होगा थोड़ा बहुत, तो मशीन लर्निंग में जब आपके पास डेटा आता है तो सारे के सारे कॉलम्स यूजफुल नहीं होते, कुछ कॉलम्स फालतू में वहां पे होते हैं। तो उन कॉलम्स को आइडेंटिफाई करके हटाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मशीन लर्निंग प्रोसेस। तो ये जो चीज होती है कि कोरिलेशन निकालना, ये आपको बताता है कि कौन सा इनपुट कॉलम आउटपुट के ऊपर कोई असर नहीं डाल रहा, उस तरह के कॉलम्स को आप हटा देते हो जनरली स्पीकिंग। तो अगर, और ऑब्वियसली ये चीज भी न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर ही काम करती है, तो आपको ये स्टेप आप जनरली थोड़ा लास्ट में करते हो। एक्चुअली आप इसको मल्टीपल टाइम्स करते हो, मतलब ऑनेस्टली मैं इसको शुरू में भी करता हूँ, मैं इसको बाद में भी करता हूँ। लेट मी शो यू कि कैसे काम करता है। आपको सिंपली बस इस फंक्शन को कॉल करना है कॉर बोल के, और ये सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स के बीच में कोरिलेशन ड्रॉ करके आपको दे देगा। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज अ ग्रिड, मतलब हर कॉलम का हर कॉलम के साथ कोरिलेशन कैसा है। और ये पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालता है, मतलब -1 से 1 के बीच में वैल्यू रेंज करता है। जितना नेगेटिव है मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट इनवर्सली कोरिलेटेड है, मतलब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज नीचे जाएगी, और अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होता है। सो मुझे यहाँ पर जो मेरा आउटपुट कॉलम वो सर्वाइव्ड है, मतलब कोई बचा या नहीं, तो मुझे क्या करना है, मुझे सर्वाइव्ड का बाकी सारे कॉलम्स के साथ कोरिलेशन निकालना है। सो व्हाट आई विल डू इज दिस इज अ डेटा फ्रेम, आई जस्ट राइट दिस कोड और ये मुझे आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे यू कैन सी सर्वाइव्ड का सर्वाइव्ड के साथ कोरिलेशन इज 1, जो कि होना भी चाहिए, खुद का खुद के साथ कोरिलेशन इज 1, राइट। बट अगर मैं बाकी चीजों का देखूं तो यहाँ पर यू कैन सी कि फेयर के साथ सर्वाइव्ड का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन 0.2 का, मतलब जैसे जैसे आपका फेयर बढ़ता है वैसे वैसे आपके सर्वाइवल का चांस भी बढ़ता है। और ये एक्चुअली वैलिड पॉइंट है, अगर आप बहुत रिच हो तो आपने ऐसे टिकट्स लिए होंगे जो महंगे वाले होंगे और आपको फिर बचाने के लिए लोग पहले जाएंगे, ये सब आपको शायद पता होगा। ये भी कॉलम के साथ थोड़ा सा पॉजिटिव कोरिलेशन है। इस कॉलम के साथ देर इज अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब जैसे जैसे पैसेंजर क्लास बढ़ रहा है वैसे वैसे सर्वाइवल का चांस घट रहा है। और अगर आपने टाइटैनिक वाले डेटा सेट के साथ काम किया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे P class 1, 2 और 3 है। 3 वहां पे सबसे सस्ता वाला क्लास है, तो वहां पे सबसे ज्यादा लोग मरे थे। तो दैट इज वाई आपका पी क्लास जैसे जैसे बढ़ रहा है, एज इन 3 की तरफ जा रहे हो, तो आपके सर्वाइवल घट रहा है, लाइक 1 से 0 की तरफ आ रहा है। तो ये भी एक चीज है जो आपको बहुत हेल्प करता है इनिशियली। फिर आपको कुछ ऐसे कॉलम्स मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर देखो, पैसेंजर आईडी के साथ 0.00 का कोरिलेशन है, कोई कोरिलेशन ही नहीं है, तो आपको ये कॉलम काम नहीं आने वाला, और सच में पैसेंजर आईडी आपको काम नहीं आएगा। तो इस तरह का चीज आपको एक आइडिया देता है कि कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है आपके डेटा में। ठीक है, तो एनीवेज यही चीज आपको बतानी थी फर्स्ट वीडियो में। ये फर्स्ट वीडियो में हमें यही डिस्कस करना था कि अगर आपके पास एक डेटा सेट आता है तो व्हाट आर द फर्स्ट क्वेश्चंस
क्वेश्चंस, व्हाट आर द सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट यू वुड आस्क अप फ्रंट, एकदम शुरू में, सो दैट आपका दिमाग थोड़ा सा क्लियर हो जाए अपने डेटा के बारे में. अब हम लोग नेक्स्ट 3 वीडियोस में EDA परफॉर्म करेंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जहां पे हम ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करके और थोड़ा डीपर इंसाइट लेंगे, इंट्यूशन लेंगे हमारे डेटा सेट का, तो फिर हम लोग और बेटर जान पाएंगे हमारे डेटा को. ठीक है, तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई नो छोटा वीडियो है, आई गेस बढ़िया है आपके लिए, जल्दी से आप पढ़ लोगे, और कल हम लोग डिस्कस करते हैं फिर EDA वाला चीज. ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.